शादी के बाद अब हमें स्मृति जाके मिली है. स्मृति कितने साल हो गए? 4 साल होने वाले हैं एक्चुअली. वेलकम टू SBB. थैंक यू. हम आपकी शादी में शामिल हुए थे लेकिन अनायका के बाद मिलना नहीं हो पाया. हाँ, आपसे तो बहुत पुराना नाता है और पुराने नाते सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, नए हो ना हो. तो कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद सेट पर? पहले तो घर से निकले, फिर बाहर पैंडेमिक, सारी चीज़ें आई गई एंड ऑन सेट हो. हाँ, तो पहले शादी हुई, फिर बेबी हो गया और फिर पैंडेमिक हो गया, तो इसीलिए इतना लंबा गैप आ गया. ऐसा प्लान तो नहीं था इतना लंबा गैप लेने का, बट अब ना सेट के ऊपर आके ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि बहुत टाइम बाद आए, क्योंकि वही लोग हैं, वही सब कुछ है. अनिल सर हैं हमारे, मेरे पहले शो के डायरेक्टर थे वो, और सब सेट पे भी हम कल सारे क्रू से मिले थे. तो सेट पे आने से पहले ऐसे लग रहा था कि एक्टिंग होगी भी कि भूल चुके हैं, मगर थैंकफुली ऐसा वो प्रॉब्लम तो नहीं हुई. एंड अब अपना सा फील हो रहा है बहुत, ये सब जगह भी बहुत जानी पहचानी है. एंड यही है, सबसे पहले हमने स्टोरी सुनी तो वो मुझे बहुत पसंद. अनिल सर ने बोला था तो करना तो था ही डेफिनेटली, क्योंकि उन पर मुझे कॉन्फिडेंस है. ये नहीं कि क्योंकि उनके सिर्फ बोलने से, बिकॉज आई नो जो वो बनाएंगे वो अच्छा होगा, और अगर उन्होंने मेरे लिए कुछ सोचा है तो वो ठीक ही कास्ट करेंगे. सो दैट वॉज द रीज़न. एंड प्लस उसके बाद उन्होंने जब स्टोरी नरेट की तो बहुत हंसी आई एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत रिलेटेबल स्टोरी. ये थ्रिलर है, कॉमेडी है, क्या है, फन है? इट्स अ कॉमेडी ड्रामा, तो कॉमेडी भी बहुत है और ड्रामा भी बहुत है. सो स्मॉल टाउन की जो धप्पा शो है, बेसिकली नाम है धप्पा, तो इसकी कहानियाँ वो हैं जो छोटे छोटे शहरों की कहानियाँ हैं इंडिया के, और वहाँ पर क्या होता है ना, इतना ओपनली अफेयर्स हों या दूल्हा दुल्हन का शादी से पहले उतना मिलना, वो सब इतना नॉर्मल नहीं होता मे बी. तो वो छुप छुप के ही मिलना होता है और वो सब, तो उस टाइप की कहानियाँ हैं जब पहले प्यार या तो पकड़े जाते हैं या कुछ गड़बड़ हो जाती है या वॉट एवर. सो सारी जब फैमिली के सामने कुछ बातें खुलती हैं तो वो क्या ऑकवर्डनेस होती है, वो बहुत रिलेटेबल भी है और फ़नी भी है. तो ऐसी कुछ कहानी है. ये जो कैरेक्टर रहेगा वो क्या है, मतलब कहाँ की है ये लड़की? हाँ, तो ये लड़का और लड़की दोनों ही आगरा के पास, एक छोटा सा टाउन है उसके पास के हैं, तो उनके लिए आगरा भी एक बहुत बड़ी सिटी है. तो ये ऐसी टाइप की का कपल है, उनकी शादी होने वाली है, तो मेरा भी कैरेक्टर वही स्मॉल टाउन का ही है और जय का भी वहीं का कैरेक्टर. लुक ये रहने वाला है? हाँ, लुक वन ऑफ द लुक्स इज दिस ओनली. हाँ, और भी एक दो लुक्स हैं. ओके स्मृति, ऐसे तो आमने सामने हम बाद में बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, लेकिन इंस्टा के थ्रू आपसे हमेशा मिलते रहते हैं कहेंगे तो. अनायका और आपके वीडियोस, रील्स, कितना मज़ा आता है दोनों को, और खासकर गौतम और तुम्हारे प्रैंक्स? हाँ, तो हम अगर बड़ी स्क्रीन पे नहीं भी आ पाते तो हमारे पास ये छोटी स्क्रीन है, उससे हम कनेक्टेड भी रहते हैं. एक तो अपने ऑडियंस, हमारे जो पुराने फैंस हैं, कुछ नए फैंस भी बने हैं, तो हमारे YouTube के थ्रू या हमारे Instagram के थ्रू हम कनेक्टेड रहते हैं. काफ़ी लोग, काफ़ी DMs आते हैं कि कब हम आपको देख पाएंगे सेट पे, कब हम आपको कुछ शो में देख पाएंगे. तो सून, वेरी सून. अब ये सब सिचुएशन थोड़ी काम डाउन हो रही है, बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो या होपफुली आई विल बी बैक. एंड Instagram पे तो हमें बहुत मज़ा आता है, जो हम मस्ती करते हैं आपस में, चाहे मेरी बेबी के साथ, चाहे गौतम के साथ, इट्स ऑल fun and organic. And thank you guys are showing so much love to us. एक बार फिर से ये पारी शुरू करने जा रही हो तो क्या कहना चाहोगे अपने ऑडियंस को? कि जब मैं स्क्रीन पे थी आपने बहुत प्यार दिखाया, जब मैं नहीं थी तब भी आपने इतना प्यार दिखाया, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. आप अभी तक हमारी इतनी सपोर्ट और हमारी बैकबोन बने हुए हैं, सो थैंक यू फॉर दैट.